बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद रुहान, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड गुड, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह अमन, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आयशा अब्दुल गफ़ार थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग क्लास विद लाइबिलिटीज एंड यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग करंट लाइबिलिटीज एंड वी हैव कम्प्लीटेड accrued and outstanding expenses, although it includes expenses word, but it is our liability of the business. And why? Because we have received the services, we have received the benefits, but we did not pay the amount. The amount is still outstanding at our end. So that's why we are calling all those expenses. Walaikum assalam Mashood sahab, yes exactly, but not yet paid. In simple words, you have utilized electricity in your office and you have received the bill of utility, but you did not pay it yet. It means the bill is outstanding at your end. इसी तरह मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि एम्प्लॉयज से मैंने काम करवा लिया, एम्प्लॉयज से मैंने उनकी सर्विसेज हासिल कर ली, बट आफ्टर वन मंथ व्हाट शुड आई पे? आई शुड पे देयर सैलरी इन फॉर्म ऑफ कैश और बाय इशूइंग अ चेक और बाय क्रेडिटिंग देयर बैंक अकाउंट, बट वी डिड नॉट pay the amount, so that amount will be called salary payable, outstanding salaries expense, outstanding salaries expense. Is it clear? Okay, so the next word is basically example of accrued and outstanding expense, and it is utility bills payable. It might be salary payable, it might be rent payable, and what are the other names of utility bill payable? It could be accrued utility expense, outstanding utility expense, accrued salaries expense, outstanding salaries expense, salary payable, rent payable, outstanding rent expense, accrued rent expense. All these words are showing that this amount is outstanding, the business owe this amount to KE or the other business from which we have received services. So I hope aapko ye clear hai. To ab mera khayal hai ki mujhe, ab dekhen ye example agar aap inko left kare थोड़ी देर के लिए, यूटिलिटी बिल्स के बाद अगर हम इन थ्री नेम्स को लेफ्ट करें और अगर हम इसे फोकस करें तो आपको नजर आ रहा है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड सैलरीज, तो अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं ये दो नाम तो यहां लिख दिए और क्या नहीं लिखा? सैलरीज पेएबल, ठीक है। जब आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहूंगा, एक्रूड सैलरीज कहूंगा, सैलरीज पेएबल कहूंगा, तो तीनों का मतलब क्या होगा? लिख दूं यहां पर ये बात ताकि और अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को, और सैलरीज पेएबल, ठीक है। तीन एग्जांपल हो गए, यानी एक ही चीज के तीन पॉसिबल नाम है। तो एक्सपेंस के वर्ड से परेशान नहीं होना, सर यहां एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। तो बात यह है कि सैलरीज तो बिजनेस हमेशा एम्प्लॉयज को देता है या उनसे लेता है? जल्दी बताइए, शाबाश। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमेशा आप यही कहेंगे कि अ बिजनेस ऑलवेज
pay salary to their employees. बिजनेस सैलरी लेता थोड़ी है, बिजनेस तो हमेशा सैलरी देता है, तो सैलरी पेएबल हो सकता है, सैलरी रिसीवेबल हो ही फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस यू विल नेवर से दैट सैलरी इज रिसीवेबल. एग्जैक्टली, सैलरी विल बी ऑलवेज पेएबल एंड इट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस. वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफा. बेटा 10:25 आपका वापस आने का टाइम है मेरे बच्चों. मेक श्योर क्या करें, देखें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप अगर पंक्चुअलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो जिंदगी में आगे किस तरह से रेगुलर रहेंगे. तो आप लोगों को तो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है, प्रोफेशनल्स बनने के लिए आप इतने अच्छे कॉलेज में आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जरा पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें आप सब लोग. ओके, शास सेट्स आर एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में फर्क क्या है? कोई फर्क होता तो मैं और क्यों लिखता जनाबे आली? अगर फर्क होता तो मैं और लिखता. जो एम्प्लॉयज ने सैलरी रिसीव की उसे क्या कहेंगे? फातिमा सेट सर, जो एम्प्लॉयज ने सैलरी रिसीव कर ली, यानी जिन्हें हमने सैलरी पे कर दी. अच्छा एक बात बताओ फातिमा, जरा अनम्यूट करो, शाबाश प्लीज. जी फातिमा, अब मुझे बताएं, जब हम अपने मुलाजमीन से काम करवा लेते हैं तो बड़े इत्मीनान से ना, पुरसुकून होके, एक कॉमन मैन के लिहाज से जवाब देना है, एक बिल्कुल कॉमन होके, जब हम एक मुलाजिम से काम करवा लेते हैं, वो एक महीना काम कर चुका होता है हमारे पास, तो उसके बाद हम कैसा फील करते हैं? हमारा मतलब, हमें उसको पैसे देने होते हैं, या हमने पैसे देने हैं, या हमने पैसे दे दिए, तो एक कॉमन मैन की हैसियत से जरा मुझे बताएं, सोच के, हम कैसा महसूस करेंगे? खुशी सर? दोनों खुशी और गम. अच्छा अच्छा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए. सर तो खुशी होगी ना कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन अच्छा. गम इसलिए होगा कि हमारे पैसे भी जा रहे हैं. एग्जैक्टली, ठीक है, हमें बेनिफिट मिला, तो ये खुशी और गम तो मैं अजराहे मजाक समझाने के लिए कहता हूँ प्यारे बच्चों, बट द थिंग इज वी हैव रिसीव्ड सर्विसेज एंड द अमाउंट इज ड्यू एट अवर एंड. जब हमने सर्विसेज ले ली, जब हमने उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लिया, तो फातिमा बताओ हमारा क्या हो गया? खर्चा. खर्चा, इसका मतलब है हम जब मुलाजिम से काम करवा लेते हैं तो हमारा फौरन हो जाता है खर्चा. आइदर वी हैव पेड और नॉट, द अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. एक आम इंसान की थॉट क्या है? अ कॉमन मैन सेज व्हेन कैश इज डिसबर्सिंग, कैश इज गिविंग आउट, कैश जा रहा है, तो आम इंसान कहता है खर्चा हो गया. अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग कहती है पैसे जाने से खर्चे का ताल्लुक नहीं होता. अगर आपने एम्प्लॉइज से सर्विसेज हासिल कर ली हैं, अगर आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से उनकी सर्विसेज हासिल कर ली हैं, अगर आपने एक जगह को, एक प्रेमिसेस को रेंट के तौर पर लेकर एक महीना यूटिलाइज कर लिया है, तो आपका खर्चा, फातिमा अनम्यूट क्यों हो रहा है बार बार, आपका खर्चा, सर म्यूट ही तो है, नहीं म्यूट हो जाता है बार बार, मैं कह रहा हूँ अनम्यूट रखें अपने आप को. आप अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो आपने रिप्लाई करना है, तो बताइए ये सारी सिचुएशंस में बिजनेस का क्या होता है? सर हमें सर्विसेज तो रिसीव हो रही हैं, तो खर्चा होगा? एग्जैक्टली, नहीं होगा. खर्चा हो गया, सर्विसेज रिसीव हो गई, तो बेनिफिट मिल गया ना. बेनिफिट मिल गया. अब ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव पेड और नॉट. अकाउंटिंग कह रही है कि इफ यू हैव रिसीव्ड सर्विसेज, इफ यू हैव रिसीव्ड बेनिफिट, इट मींस आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया. अब अगर आपने पे कर दिया तो आपके पास से क्या गया होगा? फातिमा जरा नाम लो उस चीज का. मैंने पे कर दिया तो मेरे पैसे जाएंगे. पैसे जाएंगे तो क्या कहते हैं उसे? यहाँ लिखो, मैं पैसे तो नहीं पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया? सैलरी पेबल. नहीं नहीं, मैंने आपको क्या पढ़ाया? कर्सर भी देखें, स्क्रीन भी देखें, मेरा बच्चा स्क्रीन भी शो हो रही है जी. कैश इन हैंड. मेरे पास से कैश डिक्रीज होगा?
या इंक्रीज होगा फातिमा? डिक्रीज होगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने उसे चेक बना के दिया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, तो आप मेरे पैसे कहाँ से गए? कैश इन बैंक। बैंक से गए, मेरा बैंक डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पर फर्क पड़ेगा और मेरे खर्चे पर फर्क पड़ेगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज आई हैव रिसीव बेनिफिट, एंड कैश और कैश एट बैंक विल डिक्रीज। क्लियर? यस सर। अच्छा, और अगर मैंने सर्विसेज ले ली थी एम्प्लॉय से बट मैंने उसे पे नहीं किया था, तो फिर खर्चा तो हो गया, एक्सपेंस तो उस वक्त भी कहलाएगा, बट फिर मैं कहूंगा अभी मेरा कैश इन हैंड या कैश एट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम पे नहीं कर रहे। यस, तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेबल, एक्रूड सैलरी, और दैट अमाउंट विल बी कैटेगराइज एज करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह बेटर। जी सर, समझ आएगा। ओके मेरा बच्चा, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा ये भी इसके साथ ही इसको कवर कर लें, क्या ख्याल है? इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि ये सब एक ही तरह की चीजें चल रही है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एक्रूड सैलरीज, सैलरीज पेबल, और क्या लिखा है? इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल क्या है? बेसिकली आपने बैंक से लोन लिया, यू हैव बोरोड एन अमाउंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, फ्रॉम अ फ्रेंड, एंड यू हैव टू पे दैट अमाउंट विथ सम एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड इंटरेस्ट। अनर्न पर आऊंगा ना मेरा बच्चा, थोड़ा सा हौसला भी रखना चाहिए। अनर्न पढ़ाया ही नहीं है तो रिव्यू कैसे दे दूं? मैंने तो सिर्फ क्लास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल, और फिर उसके बाद मैं फौरन आ गया यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्रूड पे। मैंने कहा भाई ये इसी से रिलेटेड है, इनको खत्म कर लेते हैं, क्या ख्याल है? है ना? ओके, नहीं नहीं आपको लगना नहीं चाहिए। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट पेबल समझ में आती है बात क्या है? इंटरेस्ट इज द अमाउंट, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी हैव टू रिसीव, which we have to pay, and the amount is due, amount due ho gayi hai na hum par, mountain due, khuda na khasta, nahi ye mountain due nahi hai, balki ye amount hum par ada karna wajib ho gayi hai mere bachchon, kyun? kyunki humne bank se loan liya tha aur humne kaha tha bank hum aapko aapke paise 5 years ke baad पे करेंगे, सही है, या 5 years में पे करेंगे, एग्जैक्टली, और हम हर मंथ उस पर, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो इंटरेस्ट जब 1 month गुजर जाता है तो इंटरेस्ट के अमाउंट हम पर हो जाती है अक्रूड, हम पर हो जाती है आउटस्टैंड, हम पर हो जाती है ड्यू, वी हैव टू पे। And when I use word we, it means I am talking about business. The business has to pay that amount as an interest, and that interest will be called interest payable. Okay, is it clear? Yes, exactly. So simply it means to pay the interest. It means interest is due. That's why you are saying to pay the interest. Getting my point, Hafsa? Why you have to pay the interest? Because it is due on your business. Why you have to pay salaries? Because you have received benefit, because you have received services from employees. That's why you have to pay. When we use word have to, it means it is your responsibility, it is your liability. Have to means to yahi hai na, kya khayal hai? Okay, hum interest lete bhi hain bilkul, aur jab hum interest lete hain to use kehte hain interest receivable. Agar hum par interest lena wajib ho gaya, that amount will be called interest receivable, jaise commission receivable padhata. Theek hai? Okay Zahra, Sayyida Zahra, clear? Interest receivable bhi ho sakta hai, aur jab receivable hoga to wo hamari liability nahi hoga. That amount will be called current asset, kyunki interest hame aam taur par within month mil jata hai और हर महीने मिलता रहता है. सर हमें क्यों इंटरेस्ट मिलेगा, हम बैंक तो नहीं. भाई हम एज एन इंस्टीट्यूट लोन दे सकते हैं ना, एम्प्लॉयज को लोन दे सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, और हम छोटे बिजनेसेस को लोन दे सकते हैं. हम बड़े बिजनेस हैं, हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, तो हम छोटे बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, अनर्न पे जाने से पहले बस एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूं, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मेरे साथ साथ रहिएगा. एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स,
कस्टमर याद है, कस्टमर याद है सब बच्चों को? व्हाट इज कस्टमर? द पर्सन टू होम वी, द पर्सन हु परचेज नहीं, द पर्सन टू होम वी सेल गुड्स. एक्सीलेंट प्यारे बच्चों, वो खरीदता है, ये उसका अमल. हम उसके परफॉर्मेंस को, हम उसके एक्शन को नहीं फोकस कर रहे. द होल फोकस इज ऑन अवर एक्शन. एंड व्हाट इज अवर एक्शन? वी आर सेलिंग गुड्स टू द पर्सन. दैट पर्सन विल बी कॉल्ड कस्टमर. तो कहता है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर को अभी हमने सामान तो बेचा नहीं है. वाह भाई वाह, जबरदस्त. खुश रहो प्यारे बच्चों, मुस्कुराते रहो हमेशा इसी तरह, जबरदस्त, खुश रहिए. अच्छा, रिप्लाई जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप सबका, क्योंकि ये आपकी अटेंडेंस की बेस बन रहा है. आपकी तमाम चैट मैनेजमेंट से शेयर हो रही है. रिमेंबर, कीप इन माइंड कि आपकी तमाम चैट, आपकी ये वीडियो जो हम यहाँ बना रहे हैं इस वक्त, जिसमें ये स्क्रीन शो हो रही है, आपके नाम शो हो रहे हैं, ये तमाम चीजें मैनेजमेंट से शेयर हो रही होती हैं. वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट जो है इसको गो थ्रू करती है चीजों को, और इसी के बेसिस पे वो देखती है कि टीचर अटेंडेंस मार्क किस तरह कर रहे हैं. तो प्लीज आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने एट एनी कॉस्ट रिप्लाई करना है मेरी बात का. आपने यस नो कुछ ना कुछ बताना है. आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम आएगी. अच्छा, तो अब हमने कस्टमर को सामान तो बेचा. यस, नहीं है, बट वी हैव रिसीव एन अमाउंट एज एन एडवांस. वी हैव रिसीव एन अमाउंट एज एन एडवांस. खुदा ना खास्ता, कैन वी कॉल इट प्रीपेड? Can we call it prepaid? No, excellent. Because prepaid means तो हमने पहले से pay किया, और हम यहाँ पे अपना action देख रहे हैं. हमने pay नहीं किया, हम तो receive कर रहे हैं. तो जब हम customer से पैसे receive करें और हमने उसे सामान बेचा ना हो, sir को बोलो कि मेरा message. जी बिल्कुल अब्दुल्ला शाहिद साहब, आपके message आ रहे हैं और मैं आपका message सुनाऊं पढ़ के. आपने लिखा था कभी खुशी कभी गम, ये मैसेज भी पढ़ा था. अब ऐसे मैसेज भी मुझे पढ़ने पड़ेंगे आपकी तरफ से, जबकि आपको नेटी गेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या होते हैं. तो आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, शुक्रिया. ओके, तो इसका मतलब है हमने गुड्स रिसीव कर, हमने कस्टमर से अमाउंट रिसीव कर ली है, एंड वी हैव टू डिलीवर गुड्स, एंड डिलीवरिंग गुड्स, और वी हैव टू रिटर्न द अमाउंट. इफ वी फेल टू deliver the goods, then what we have to do? We have to return the amount to that particular customer. Yes, it means the amount which we have now is our liability till we pay back or till we deliver the goods to that particular customer. Okay, is it clear? तो क्या कस्टमर से पैसे लेके बोलते हो दो साल के बाद सामान देंगे आपको? जी जनाब अली, नहीं ना? ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोग अगर यहां इस प्लेटफॉर्म पर अपने AKSP के आईडी से नहीं आए हुए, तो गूगल क्लासरूम पे फटाफट चले जाएं. एक असाइनमेंट आपका अपेयर हो गया है, टेस्ट का टाइम, सरप्राइज टेस्ट का टाइम शुरू हो चुका है. मैं रिकॉर्डिंग आज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे. प्यारे बच्चों, हम कहां तक पढ़ चुके हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर तक. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनअर्नड रेवेन्यू. ठीक है, अनअर्नड रेवेन्यू. अब अनअर्नड रेवेन्यू समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको समझ जाओगे तो फिर अनअर्नड कमीशन, अनअर्नड रेंट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. सर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर और अनअर्नड में क्या फर्क है? फॉरन डिफ्रेंसिएशन पे आ गया मैं? नहीं, अच्छा नहीं आता, चलें. ओके, ऐसा करता हूं, इसको ब्रेक कर देता हूं आपको समझाने के लिए. जी, नजर आ रहा है आपको? अब तो और अच्छा नजर आ रहा होगा, और बड़ा कर दूं व्यू. जी, क्या है इसका मतलब? नहीं, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अमन तारिक आजम साहब, जब मैं नंबर शेयर करूंगा तो आपको एक ईमेल आएगी, उसके ऊपर ईमेल पे आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे.
ठीक है ओके, कमाना, पैसे कमाना, मुनाफा कमाना, कुछ भी कमाना, ओके. तो अब कहता है आज, क्या कहता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू. अनअर्न्ड रेवेन्यू यानी वो रेवेन्यू, यानी अनअर्न्ड जो कमाया नहीं है. अच्छा क्या नहीं कमाया, चलो अनअर्न्ड तो क्लियर हो गया ना, जो नहीं कमाया. अनअर्न्ड इज द अमाउंट विच नॉट हैव बीन अर्न्ड, विच नॉट येट अर्न्ड. तो व्हाट इज दैट अमाउंट, दैट अमाउंट इज बेसिकली आर रेवेन्यू, इनकम. अच्छा सर ये क्या बात की अजीब सी कि इनकम और कमाई नहीं है. तो अब जरा साइंस वाले स्टूडेंट से मैं स्पेशली मुखातिब हूं, आई एम एड्रेसिंग टू दोज हु हैव साइंस बैकग्राउंड, दैट माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह एक कॉमन मैन कहता है पैसे गए तो खर्चा हुआ, इसी तरह एक कॉमन मैन ये भी तो कहता है पैसे आए तो इनकम हुई. क्यों भाई महक आदिल, एक आम इंसान कहता है पैसे गए तो खर्चा हुआ, लेकिन अकाउंटिंग कहती है पैसे जाने से खर्चे का ताल्लुक नहीं होता. If you have received benefit, it means expense has incurred. खर्चा हो गया, benefit मिल गया, खर्चा हो गया. ठीक है अच्छा, तो सर फिर पैसे तो गए नहीं, अब पैसे देना business की है liability. Clear? Okay, ये बात हो चुकी है. अब मैं कह रहा हूं unearned revenue, the amount which will become revenue, the amount which will become income of the business, वो पैसा जो business की income बनेगा. सर बनेगा ना, अभी बना तो नहीं है, but the problem is we have received that amount. अच्छा और आसान करूं इस बात को, अभी समझ जाओगे इंशाल्लाह. भाई देखो, आप consultancy services provide करते हो, आप students को बाहर भेजने के लिए, बाहर स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, आप उनको बाहर भेजते हैं, आपका एक कंसल्टेंसी बिजनेस है. अब आपने किसी स्टूडेंट को अभी तक बाहर भेजवाया नहीं, मुल्क से बाहर अब्रॉड भेजा नहीं, बट यू हैव रिसीव एन अमाउंट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, फ्रॉम दैट कस्टमर. यस एग्जैक्टली हफ्सा, दिस इज एडवांस, यू हैव रिसीव एन अमाउंट एज एन एडवांस. अगेन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यू गाइस गॉट द पॉइंट. Yes, this is also called advance, and this is also called advance. So, what is the basic difference? This advance is taken against. Yes, my dear. Complete the sentence. नहीं आ रहा समझ? हुज़ैफ़ा, आप advance from customer में थे? अल्हम्दुलिल्लाह लोग जवाब दे रहे हैं. तो उन्हें कैसे समझ आ रहा है? जरा आप दिमाग चलाएं. हुज़ैफ़ा, unmute कर लें जरा please. शाबाश. Please unmute your mic. हुज़ैफ़ा बेटा प्लीज अनम्यूट योर माइक. जी सर. मेरा बेटा सिर्फ ये बताइए मुझे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर में आप थे? नहीं सर. नहीं थे तो फिर मेरी बात कैसे समझ आएगी? मैं तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं थे? सर वो मैं गया हुआ था. क्या मतलब, आप मेरी क्लास में नहीं थे? आप क्लास में आके चले गए? सर वो मुझे एक काम था जरा, तो मैं 5 मिनट के लिए. अच्छा तो फिर बात ही खत्म हो गई बस. अब सर यार थोड़ा सा रिव्यू दे दे. तो मैं इस तरह अगर हर क्लास में करता रहूंगा तो बेटा मेरा एसएलओ खत्म हो जाएंगे. नहीं सर ऐसे बेसिक क्लास में ना, आइंदा से नहीं होगा. मैं पहली और आखिरी बार रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप मुझसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर जरा रिव्यू दे दें, और मैं रिव्यू देता हूँ, और मैं फर्दर भी दूंगा, मना नहीं कर रहा. लेकिन देखे टाइम का कंस्ट्रेंट है हुज़ैफ़ा मेरे साथ, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना. तो मेरी ये आपसे बड़ी मौदबाना हम्बल रिक्वेस्ट है कि जरा प्लीज क्लास में रहा करें. शुक्रिया. म्यूट कर ले माइक, मैं बात करता हूँ आपसे. कस्टमर वो जिसको हम माल मर्चेंडाइज बेचते हैं, मर्चेंडाइज बेची नहीं लेकिन पैसे ले लिए, तो उसे कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर. क्योंकि पैसे ले लिए और माल तो दिया नहीं, गुड्स तो डिलीवर नहीं की, दैट अमाउंट कॉल्ड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर. एंड This amount would be treated liability till you have delivered goods to that particular customer. अगर आप customer को goods deliver करने में नाकाम होते हैं तो फिर आपको क्या वापस करने पड़ेंगे? उसके पैसे, cash. You have to return, you have to pay back that amount which you have received as an advance. Exactly. Okay.
So advance from customer is used when you receive advance amount, when you receive an amount against delivering goods in future to your customer. Clear? Huzaifa, clear? Advance from customer samjhaya. Exactly, Aisha. जी मेरा बेटा आयशा, आयशा मेरा बच्चा, ये सब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या चीज है मेरा बच्चा, बताइए ये सब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ये जितने नाम है ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो मेरा बच्चा क्या ये क्वेश्चन है पूछने का जिसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया? इट इज अंडरस्टूड वी आर स्टडिंग अबाउट लाइबिलिटीज एंड नाउ एंड दिस टाइम वी आर स्टडिंग अबाउट करंट लाइबिलिटीज. सो हुज़ैफ़ा ने कहा सर ये समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ा लेता हूँ अपनी बात को. अनअर्नड रेवेन्यू, नाम में रेवेन्यू है भाई, कॉमर्स का बैकग्राउंड एंड दोज स्टूडेंट हु हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा नाम में रेवेन्यू है. इस तरह तो यहाँ नाम में एक्सपेंस था तो क्या मैं इसे एक्सपेंस की कैटेगरी कह दूं? याद है मैंने आपको ऑफिस सप्लाईज पढ़ाया था और कहा था ऑफिस सप्लाईज इज एन एसेट at what time? Before its use it is our asset, but after using the office supplies it will become our ji. Shukriya. Tamam logon se adab se keh raha hu, participate karein, jawab dein. Aapke samne jawab likha hai, aap nahi likh ke bhej rahe hain to ye aap bahut bada जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए. फलक वकार विकार, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस सप्लाईज पे चला गया हूं ना, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा अपना क्वेश्चन. क्या आप ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड ये पूछ रही है प्री पेमेंट, या आप वहां उससे रिलेटेड अनअर्न से? तो आप या तो अनम्यूट कर लें या फिर मुझे क्लियरली लिख के भेजें. ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, अनर्न्ड रेवेन्यू जी. लेकिन बेटा अनर्न्ड में अगर आप उसको प्रीपेड नाम दे दोगे ना तो वो प्रीपेड आपके पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से प्रीपेड है. उसने हमें पहले पैसे दिए हैं, वो कह रहा होगा प्रीपेड, लेकिन क्या हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं फलक विकार? क्या हम सप्लायर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं? नहीं, हम अकाउंटिंग करते हैं हमेशा अपने बिजनेस को देखते हुए. ठीक है, तो इसका मतलब है वो पहले से पैसे दे रहा है, लेकिन हम तो पैसे पहले से, जी जी फलक, हम तो पैसे पहले से ले रहे हैं. तो बेटा इसको कहते हैं अनअर्न्ड या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, प्री रिसीव नहीं मेरा बेटा. सही है जी. तो मैं बात कर रहा था ऑफिस सप्लाईज की, तो आई होप आपने मेरी बात को समझा कि ऑफिस सप्लाईज एसेट है. कब तक? बिफोर इट्स यूज, बट आफ्टर यूजिंग इट it becomes our expense. It means office supplies expense बन जाती हैं, वो expense होती हैं. अच्छा, इसका मतलब है इसके नाम के साथ expense भी लिखा हुआ है. आप ये देख रहे हैं bad debt expense, advertising expense, depreciation expense, salaries expense, office supplies expense. तो अब मैं all those students who have accounting background, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, वो चाहे तो share करें, क्या accrued के साथ expense लिखा आ गया तो मैं इसे expense कह दूं? एक्सपेंस का वर्ड लिखे होने का मतलब ये एक्सपेंस नहीं है, ऐसा ही है ना? क्यों भाई अक्सा? क्योंकि इसके नाम के साथ एक्रूड है, और एक्रूड माने वाजिब है, यानी ये खर्चा हम पर अदा करना वाजिब हो गया. और कोई भी खर्चा अदा करना हम पर वाजिब होता है वो खर्चा होने के बाद. भाई जब तक रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे जब तक पैसे अदा करना वाजिब नहीं होंगे. इट मीन्स जी बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात क्लियर है. तो भाई अगर ये क्लियर है तो अब इसको भी फाइनलाइज करें ना, क्या ख्याल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने तो बिल्कुल अप टू द मार्क करेक्ट आंसर दिया है. भाई हुज़ैफ़ा आपसे ही मुखातिब हूँ स्पेशली, क्योंकि आप सवाल कर लेते हैं और बता भी देते हैं सच, और सच मुझे पसंद है इसलिए मैं जरा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ कि कोई बात नहीं चले मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट सच तो कह रहा है मुझसे. एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्या है? कस्टमर से अमाउंट ली है एडवांस और आप उसे गुड्स डिलीवर करोगे, तो ये क्या है सर? अनअर्न्ड रेवेन्यू. इसमें भी तो मैं पैसे ले रहा हूं जी बिल्कुल, लेकिन ये पैसा अभी आपकी इनकम नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी आपने उसे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, अभी आपने उसे कंसल्टेंसी फर्दर प्रोवाइड करनी है. बात समझ आ रही है सबको?
अनर्न्ड रेवेन्यू क्या है? वो रेवेन्यू जो जिसके पैसे हम रिसीव कर चुके हैं, यानी ये भी एडवांस ही हुआ, ठीक है। अनर्न्ड भी क्या हुआ? अनर्न्ड भी क्या है जी? बिल्कुल, मैं आपके कमेंट सब पढ़ रहा हूँ, आप मेरी बात भी सुनते रहे जरा, रिपीट लिखने के साथ साथ, और जो जो कमेंट्स आप लिख रहे हैं, जो आप आ रहे और जा रहे हैं लोग क्लासेस में बार बार इंटरनेट के इश्यूज की वजह से, वो मेरी बात पे भी फोकस कर लें, वरना मैं ये कह के बात मुकम्मल कर दूंगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, सही है। तो मुझे बराए मेहरबानी मेरी बात पे भी फोकस करें, मैं मुस्तकिल रिपीट ही कर रहा हूँ, लोग मेरी बात सुन सुन के बोर हो गए, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं मौका दे देता हूँ दो चार स्टूडेंट्स को बोलने का, वो आपको बता देंगे कि वो चाह रहे हैं कि मैं अब आगे बढ़ जाऊं। जी तलाल बिन आमिर साहब, इजाद नहीं करनी है नई चीजें, जो हमारे पास मौजूद है पहले उसको जरा डिस्कस कर लें, क्या ख्याल है? सही है, इजाद नहीं करना, अभी इनोवेशन ना करें, इन्वेंट ना करें चीजें। एक्रूड अर्न रेवेन्यू हो सकता है, एक्रूड माने अर्न ही होता है, एक्रूड वाजिब रेवेन्यू वाजिब कब होगा? जब आप कमा चुके होंगे, और फिर वो लायबिलिटी नहीं होगा मोहतरम, वो रिसीवेबल है, एसेट बन जाएगा। एक्रूड अर्न रेवेन्यू, सही है, एक्रूड अर्न रेवेन्यू। अच्छा, अब आपने वहां अनअर्न लगा दिया, नहीं जी, मैंने इसीलिए अर्ज किया था, मुझे अंदाजा था कि कुछ ऐसी ही आप लेकर आएंगे जी। तो बस सिंपल वर्ड्स में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया जाता है कस्टमर से गुड्स डिलीवर करने के लिए, और ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और वी हैव टू डिलीवर गुड्स विद इन 1-3 months, विद इन अ वीक, विद इन 2 weeks, विद इन अ क्वार्टर, हमें ये गुड्स डिलीवर करनी होती है कस्टमर को। एंड व्हेन वी टेक अमाउंट एज एन एडवांस एंड वी हैव टू डिलीवर सर्विसेज, सो दैट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड ट्यूशन फी, अनअर्न्ड स्कूल फी, अनअर्न्ड कंसल्टेंसी फी, यानी जब आप अमाउंट ले चुके हैं बट आपने कंसल्टेंसी नहीं प्रोवाइड की, आपने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, आपने आपने अपने स्कूल की सर्विसेज नहीं दी, आपने जनाब कोई किसी का केस लड़ना था, आप लॉयर हैं और आपने किसी का केस जाके कोर्ट में फाइट करना था उसके लिए, तो आपने अभी तक उसका केस जाके वहां फाइट नहीं किया, केस को प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन आपने अमाउंट रिसीव कर ली है, तो वो आपकी अनअर्न कहलाती है। टेक इन एडवांस बट नॉट गिवन गुड येट टू बी लायबिलिटी रिमेन्स अंटिल वी डिलीवर गुड्स। यस ज़हरा, बिल्कुल। हफ्सा जी क्वेश्चन कर लें, हफ्सा जी, ज़हरा बिल्कुल सही है सर। यस, ये हम लोग की फुल पेमेंट भी हो सकती है और हाफ पेमेंट भी हो सकती है। बिल्कुल, इससे मेरा बच्चा मुझे कभी कंसर्न नहीं रहा, जब मैंने प्रीपेड में ये कह दिया था कि प्रीपेड अमाउंट हाफ हो, फुल हो, क्वार्टर हो, 1 lakh rupees हो, कुछ भी हो, अमाउंट से कंसर्न नहीं है, कॉन्सेप्ट से कंसर्न है सारा, एडवांस। यस एग्जैक्टली जी, उसके बाद कौन बात करना चाह रहे हैं? अरमान, रिसीव अमाउंट बट नॉट प्रोवाइड सर्विसेज। एग्जैक्टली अरमान, हम रिसीव कर चुके हैं अमाउंट लेकिन सर्विसेज हमने प्रोवाइड नहीं की, इसका मतलब है वी हैव टू डिलीवर, वी हैव टू रेंडर्ड सर्विसेज। अमाउंट क्यों मिलेगा फिर इफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की? अमाउंट क्यों मिलेगा? मिलेगा नहीं, अमाउंट मिली है, पहले से ले ली है जहरा, ऊपर आपने लिखा। अच्छा, वो सैयद जहरा है, ये है जहरा कैजर, ठीक है, ओके ओके। सैयद जहरा कह रही है अमाउंट क्यों मिलेगा फिर इफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की? बेटा क्या एडवांस नहीं लेते? आपने कॉलेज में आके एडमिशन लिया, आपने एक महीना पढ़ लिया था लेकिन आपने पहले ही फीस जमा करवा दी। आप अभी कॉलेज इंशाल्लाह वैन से आया करेंगी, अभी आपने कॉलेज जैसे ही आप फर्स्ट मंथ आना शुरू करेंगी, फर्स्ट डे, सेकेंड डे या स्टार्ट होने से पहले आप वैन वाले को फीस दे देंगी एडवांस, हालांकि अभी तो आपने उसकी सर्विसेज को हासिल नहीं किया। तो अब आप अपने लिहाज से मत सोचने लग जाएगा, वैन वाला अगर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करेगा तो वो कहेगा अनअर्न्ड वैन फीस। अब समझ आ गई जी? बहुत अच्छी एग्जांपल दी है माहम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो नहीं आयशा इस तरह ना लिखो प्लीज, एडवांस पेमेंट इज अनअर्न्ड। एडवांस पेमेंट, जब तुम पेमेंट का वर्ड यूज करोगी तो पेमेंट किसका पर्सपेक्टिव हुआ? देने वाले का। तुम उसका पर्सपेक्टिव मत बोलो बराए मेहरबानी, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, मैं नहीं। मैं क्लास में भी खड़ा होता, आप सब 50 के 50 लोग भी बोल रहे होते, तो मैं आपको वही बात कहता जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे आप सब मेरे सामने मौजूद हो, और मैं आपके आंसर्स को, कमेंट्स को बहुत गौर से देख रहा हूँ। ठीक है, एडवांस पेमेंट ना कहो, यस मनी वी रिसीव एंड अगेंस्ट दिस मनी वी हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज। ओके, आई थिंक इसको हम फिनिश करके आगे बढ़े। अनअर्न्ड रेवेन्यू,
रेवेन्यू, यानी अभी वो रेवेन्यू बना, बोलो अभी वो रेवेन्यू बना, अभी वो हमारी इनकम कहलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रॉफिट नहीं, बेटा प्रॉफिट कहां से आ गया मेरा बच्चा, प्रॉफिट अचानक कहां से आ गया ये वजीहा? प्रॉफिट तो अलग चीज है, प्रॉफिट तो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है मेरा बेटा। मैं प्रॉफिट का तो कोई हेड ही नहीं पढ़ा रहा आपको, हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में एक्सपेंसेस, हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में इनकम रेवेन्यूज, और हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। भूल गई अकाउंटिंग इक्वेशन, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। ओके ओके, थैंक यू, चलें ठीक है, याद आ गया तो अच्छी बात। हुज़ैफ़ा आपको क्लियर है मेरी बात? जल्दी से बताएं, शाबाश, फटाफट, टाइम नहीं है। जी सर, जी सर, चलें, थैंक यू भाई। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार कि अब नेक्स्ट टाइम देखें ये ना हो आपसे, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन प्लीज जरा इस चीज को मेक श्योर करें कि क्लास में एट एनी कॉस्ट आपने मौजूद रहना है, ठीक है? चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अनर्न्ड रेवेन्यू समझ आ गया। अब अनर्न्ड रेवेन्यू का क्या क्या नाम हो सकते हैं? अनर्न्ड रेवेन्यू के नाम हो सकते हैं अनर्न्ड, सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर में पैसे ले लिए मगर सर्विस प्रोवाइड नहीं की। एडवांस फ्रॉम समर, अनम्यूट योर माइक। कांट, ओके, तो मैं भी फिर आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता जब आप लोग अपने पास, हाँ तो लैपटॉप में माइक क्यों नहीं है? लैपटॉप में माइक बिल्टन होता है, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर सकते, अपने गैजेट्स आप लोग रेडी नहीं रख सकते। इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ और आपके पास गैजेट्स रेडी नहीं है आपके, है ना? एडवांस कमीशन इज अनर्न्ड कमीशन, एग्जैक्टली। एडवांस रेंट फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव विच यू हैव रिसीव इज अनर्न्ड रेंट, ठीक है? The rent which you receive in advance will be called unearned rent, ठीक है? The service fee which you receive in advance will be called unearned service fee. The consultancy fee which you receive in advance, the tuition fee which you receive in advance will be called unearned consultancy fee, unearned tuition fee. And the amount which you receive against delivering goods in future will be called advance from customers. Is it clear? Is it clear to all? Is it clear to all? Tariq Azam Sahab, Shaz, everyone. Ji, unearned commission, unearned revenue, sab same hai. ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था कि अनर्न्ड रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं, अनर्न्ड कमीशन हो सकता है, अनर्न्ड रेंट हो सकता है। ओके, चलें। नहीं जी, आज सिर्फ वही लोग जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं उन्हीं को प्रेजेंट मार्क करूंगा जिन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है? सिर्फ वही लोग प्रेजेंट है अभी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे बताया कि अटेंडेंस मार्क करनी है, बट आज सिर्फ वही लोग प्रेजेंट हैं जिन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया है। जो टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सके, नेक्स्ट टाइम उन्हें केयरफुल रहना है। मैं ये पिछले वीक बात बता चुका था कि मैं इस वीक टेस्ट लूंगा आप लोगों से। ओके, लास्ट 5 मिनट्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस्ड करंट लायबिलिटीज। मैं एक बार फिर याद दिला दूं इस पूरी क्लास को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कौन सा अकाउंट किस हेड से बिलोंग करता है, उनके लिए अकाउंटिंग पढ़ना नामुमकिन, मुश्किल तरीन हो जाएगा। मैं किसी बच्चे से पूछूं कि नोट्स रिसीवेबल की नेचर क्या है और वो बोले सर लायबिलिटी, तो इसका मतलब है सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी बच्चे से बोलूं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वो बोले सर एसेट, करंट एसेट, तो इसका मतलब है उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया किया। मैं किसी बच्चे से बोलूं ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं, वो बोले ऑफिस सप्लाई सर हमारा करंट लाइबिलिटी होती है, तो टाइम वेस्ट। और अगर वो बोले सर ऑफिस सप्लाईज हमारा नॉन करंट एसेट, तो ये फिर भी थोड़ा सा बेरेबल है, हालांकि ऑफिस सप्लाईज हमारा नॉन करंट एसेट नहीं है, ऑफिस सप्लाईज में स्टेशनरी होती है, है ना? और जी हुज़ैफ़ा, ये फाइल मैंने अपडेट की हुई है सर बहुत दिन पहले, आप इसको देखें तो सही जाके, SLO 1 डिस्कशन के नाम से एक फाइल है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है, सर आप लोग देखते ही नहीं है, जाके क्लास असाइनमेंट में देखा करें सब बच्चे। मैं ये बात पहले भी क्लास में शायद कह चुका हूँ, यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे, कि ये तमाम चीजें मैं वहां कर चुका हूँ अपडेट। और हफ्सा ने कहा जी सर ये हो चुकी हैं, वो एक्नॉलेज कर रही हैं इसे,
जी नूरुल ने भी कहा शुक्रिया। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह करंट लायबिलिटीज लायबिलिटीज क्लियर। Now we are moving to non-current liabilities or long-term liabilities. These liabilities would be paid more than a year. The first name is loan payable or bank loan payable. एक ही बात है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है सबने। Sir, is it necessary that we have to pay loan more than a year? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। But generally, we say that loan payable is a long-term liability which a business has to pay more than a accounting period. अब वो 2 years में pay करे, 5 सालों में pay करे, within 10 years pay करे, within 20 years pay करे, we have no concern with that period. But it should be more than a year. अच्छा, सर आपने loan payable के साथ bank loan बोल दिया। भाई बैंक से लोन ले लूंगा तो उसको बैंक लोन पेबल कह दूंगा, सही है। अगर किसी इंस्टीट्यूट किसी दोस्त से किसी रिलेटिव से लोन लूंगा तो उसे लोन पेबल, या जैसे मिस्टर अहमद से लिया या अबीर भाई से लोन ले लिया तो कहूंगा लोन पेबल टू अबीर, लोन पेबल टू एमन, लोन पेबल टू अब्दुल मोइस। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इन सबको जब मैं ये कहूंगा ना सिंपल लोन पेबल टू अबीर, बैंक लोन पेबल, तो इन सब का मतलब होगा कि मुझे बैंक को, अबीर को, एमन को ये लोन पे करना है 1 साल से ज्यादा अरसे में, एक साल से ज्यादा टाइम में। क्लियर? अक्सा है क्लास में? अक्सा के रिप्लाई नहीं आ रहे। अच्छा, अक्सा बिजी है क्या? अक्सा आर यू देयर? जी रिप्लाई नहीं आ रहे, मैंने कहा खैरियत है सब? अच्छा अच्छा, ओके ओके लिसनिंग, ओके मेरा बच्चा। अच्छा भाई आप मुझे बताएं, अबीर भाई जल्दी से अनम्यूट करके आप बताएं, बड़ा अच्छा लगेगा, कि लोन पेबल करंट लायबिलिटी हो सकता है? जी सर। फिर इसका नाम क्या होगा? लोन पेबल अकाउंट पेबल। नहीं, अकाउंट पेबल तो कब यूज होता है? जब हम ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल इज ट्रेड पेबल, और वो कहां? बैंक लोन। बैंक लोन भी नहीं, अगर होता तो मैं बैंक लोन यहां पढ़ाता। चलें, थैंक यू सो मच, आपने कोशिश की, मैंने आपको टाइम दिया, अब मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ आरिफा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर इसका नाम क्या होगा? अगर लोन पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है तो कैसे पता चलेगा? सुन ले सब बच्चे, क्लास का टाइम खत्म हुआ चाहता है, मेरी साइड से फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, लेकिन ये बात सुनते हुए जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जब लोन पेबल हमें अदा करना होगा विद इन 1 ईयर, तो इट इज नेसेसरी कि मेंशन होगा क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लोन। रिसीवेबल नहीं जहरा, पेबल है भाई, हमें पैसे देने हैं, किसी को वापस लेने थोड़ी हैं। फिर इसके नाम से पहले क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन। तो हम समझ जाएंगे शॉर्ट टर्म लोन पेबल का मतलब हमें विद इन 1 ईयर पे करना है, एंड इन दैट केस शॉर्ट टर्म लोन पेबल हमारी कौन सी लायबिलिटी होगी? जल्दी से जवाब दे दें, क्लास खत्म हो रही है। करंट लाइबिलिटी। बट इफ इट इज नॉट मेंशन, सिंपल लिखा हुआ है लोन पेबल, तो लोन पेबल फिर हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी? लोन पेबल कौन सी लाइबिलिटी होगी? लॉन्ग टर्म, नॉन करंट। जब कुछ ना लिखा हो, लोन पेबल जनरली नॉन करंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। बट